आज हम एलाकिजी के बारे में सीखेंगे। एलाकिजी क्या है, उसमें कौन कौन सी औषधि यूज होती है, उसकी सामग्री क्या है, उसके बनाने की विधि, उसमें कितना समय लगता है, कौन से रोग अवस्था में उसको इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एलाकिजी किसे कहते हैं, ये एक स्वेदन क्रिया का प्रकार है जिसको हम सामान्य भाषा में पत्र पोटली स्वेदन कहते हैं। ये एक केरला की चिकित्सा पद्धति है जिसमें उष्ण वीर्य द्रव्य जिसको जिसका नेचर गर्म होता है उसको चिकित्सीय तेल में औषधि के साथ पकाकर एक कपड़े में इसको बांध के इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सामान्य अवस्था से रोग जो होता है जिसमें किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। पीड़ा क्या होती है, आयुर्वेद चिकित्सा अनुसार जब शरीर में वाता दोषा की वृद्धि होती है जिससे शरीर का रक्त संचार रुक जाता है तो दूषित तत्व एक जगह रुकने से शरीर में पीड़ा की अनुभूति होती है। पीड़ा युक्त स्थान पे एलाकिजी का प्रयोग कैसे करना है, सामान्यतः अभ्यंगा के पश्चात एलाकिजी को उस स्थान पे उस अवस्था में उपयोग करते हैं जिससे शरीर से त्वचा से एंडोर्फिन नाम का तत्व स्राव होता है जिससे पीड़ा कम होती है। अब हम एलाकिजी की औषधि के बारे में जानेंगे, कौन सी औषधि इसमें यूज होती है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनकी मात्रा कितनी है, वो हम अब जानेंगे। एलाकिजी की औषधियों में सबसे पहले एरंड का पत्र यूज होता है। आप देख सकते हैं एरंड का पत्र कैसा दिखने में होता है। उसके बाद निर्गुंडी का पत्र इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं निर्गुंडी के पत्र कैसे दिखते हैं। उसके बाद धतूरा के पत्र यूज होते हैं। धतूरा के पत्ते कैसे दिखते हैं, आप इसको देख सकते हैं। मदार के पत्र का इस्तेमाल होता है एलाकिजी की औषधियों में। मदार के पत्र कैसे दिखते हैं, साथ में जंबीरा नींबू, जंबीरा नींबू का औषधि इसमें इस्तेमाल होती है एलाकिजी में। आप देख सकते हैं जंबीरा नींबू, ज़्यादातर जंबीरा नींबू का अवेलेबिलिटी कम होती है तो सामान्यतः जो नींबू हमें इस्तेमाल में रोज़ाना इस्तेमाल में किया जाता है हम उसको भी इसमें एलाकिजी के औषधि में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नींबू का कैसा इसमें दिखता है। उसके बाद नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का कसा हुआ नारियल आप देख सकते हैं कैसे दिखता है कसा हुआ नारियल। उसके बाद चिकित्सीय औषधि के रूप में निर्गुंडी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंचा कैसा दिखता है एलाकिजी की औषधि में, चिंचा भी एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। आप देख सकते हैं चिंचा के पत्र इसमें यूज होते हैं। एलाकिजी में और भी औषधियाँ यूज होती हैं जैसे वासा, वरुण, साजन, शिग्रु और करंज। लगभग 12 से 13 तरह की औषधियाँ एलाकिजी में प्रयोग होती हैं लेकिन इनमें से ज़्यादातर औषधियाँ सारी जगह अवेलेबल नहीं होती है तो उसमें हम 6 से 7 तरह की औषधि अगर हमें मिल जाती है तो उसका हम इस्तेमाल एलाकिजी में बनाने में कर सकते हैं। एलाकिजी बनाने से पहले आइए हम जानें उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई की आवश्यकता होती है जिसमें एलाकिजी पत्र को हम बना सकें। साथ में एक कलछन की ज़रूरत पड़ती है, कैंची की ज़रूरत पड़ती है कपड़े को काटने के लिए, चम्मच की ज़रूरत पड़ती है, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, लाइटर है, कपड़े हैं और ये सारी चीज़ें सामग्री के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलाकिजी को बनाने के लिए। अब हम सीखेंगे एलाकिजी बनाने का विधि। इसमें सबसे पहले चूल्हे को कढ़ाई पर रख कर उसको गर्म होने देते हैं। उसके पश्चात निर्गुंडी तेल को कढ़ाई में डालते हैं। उसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। उसके पश्चात हम जंबीरा नींबू को
गरम तेल में धीरे धीरे डालते हैं। ध्यान रखें क्योंकि तेल गरम होता है तो उसके छींटे हाथ पर नहीं आने चाहिए। जंबीरा नींबू डालने के बाद उसको धीरे धीरे चलाते हैं। इसको चलाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसको नींबू को जब तक हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को हमें जारी रखना है। उसके पश्चात हमें इसमें कसा हुआ नारियल आवश्यकता अनुसार हमें डालना है। उसके बाद हमें इसको चलाते रहना है। जब ये दोनों चीज़ें हल्की गर्म हो जाए तो हमें कटे हुए पत्र को इसमें डाल के इलाकीजी तैयार कर सकते हैं। इन सारी औषधियों की मात्रा करीबन 50 ग्राम हम ले सकते हैं। अगर सारी औषधि इसमें इस्तेमाल नहीं हो पा रही है या नहीं मिल पा रही है तो जो भी औषधि हमें इस्तेमाल करनी है उसकी मात्रा हम डबल कर सकते हैं। अगर हम 6 औषधि इस्तेमाल करते हैं तो उनको 50 से 100 ग्राम हम सारे इस्तेमाल इलाकीजी को बनाने में कर सकते हैं। सारी औषधियों को धीरे धीरे हल्की आंच पे चलाते रहेंगे। औषधि को कितना पकाना है, कितना गर्म करना है, ये ध्यान रखें कि हल्का पत्ते जैसे ही कलर चेंज होने लगे इसको चूल्हे को बंद कर दें। 5 से 10 मिनट पश्चात इन पत्तों को अपने आप ठंडा होने दें। उसके बाद अब हम ये औषधि इलाकीजी बनाने के लिए तैयार हैं। अब ये औषधि तैयार है। अब हम इस करछुल की सहायता से इस औषधि को कटे हुए कपड़े पर रखेंगे। ध्यान रहे इसमें साफ सफाई का बहुत ही ध्यान देना है। इसके पश्चात अब हम सीखेंगे कि कैसे इलाकीजी को बांधते हैं। बांधने का तरीका आप देख सकते हैं, कैसे वस्त्रों को आपस में जोड़ के इलाकीजी बना रहे हैं। इलाकीजी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि कपड़े को इस तरीके से बांधे कि चिकित्सा के दौरान ये खुले ना। पोटली की साइज पर ध्यान दें। बीच में जितनी औषधि है उतनी ही पोटली की साइज होनी है। और ये हमारी इलाकीजी बनके तैयार है। इलाकीजी प्रक्रिया में हमें 2 परिचारक की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया 7 से 14 दिन तक कर सकते हैं, जिसमें 30 से 35 मिनट कम से कम या 60 से 70 मिनट की प्रक्रिया होती है, जिसको 7 दिन से 14 दिन तक अवस्था अनुसार, रोग अनुसार इस क्रिया को हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें धन्वंतरी प्रार्थना की जाती है, जिससे रोगी की दशा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना की जाती है ताकि उसकी रोग अवस्था को दूर कर सके। आइए अब हम धन्वंतरी प्रार्थना करेंगे। ओम नमामि धन्वंतरी आदि देवम सुरासुरम मृत्युनाशम दातारेशम विविशोदधि समानादम सर्वरोग निवारकम आयुर्वेदम प्रवर्तारम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवन्तु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरो नमः। धन्वंतरी प्रार्थना पश्चात अब हम
एलाकिजी क्रिया का आरंभ करेंगे। एलाकिजी प्रक्रिया से शुरू करने से पहले हमें शरीर पर अभ्यंगा का प्रयोग करना है, जिससे शरीर की जकड़ाहट सबसे पहले दूर हो, ताकि एलाकिजी प्रक्रिया करने में आसानी हो। यह अभ्यंगम प्रक्रिया 7 अवस्थाओं में होती है। हर अवस्था में 5 मिनट का हम समय दे सकते हैं। अभ्यंगम प्रक्रिया करने के पश्चात हम एलाकिजी का प्रयोग करते हैं। एलाकिजी का इस्तेमाल करने से पहले हमें उसका तापमान चेक करना है। तापमान अगर ज़्यादा होता है तो उससे रोगी की त्वचा को नुकसान हो सकता है। तापमान अगर कम होता है तो चिकित्सा का सफलता नहीं मिल पाती है। अब आप देख सकते हैं एलाकिजी करने का तरीका। या एलाकिजी रोग अवस्था अनुसार मरीज की स्थिति को देखते हुए इसको किया जाता है। इस एलाकिजी का उपयोग तरह तरह की बीमारियों में, जैसे कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सियाटिका, गर्दन का दर्द, शरीर में जकड़ाहट, लकवा, पैरालिसिस और तरह तरह के रोगों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इस एलाकिजी प्रक्रिया से क्या लाभ होता है, आइए उसके बारे में जानें। एलाकिजी प्रक्रिया से शरीर की मांसपेशियां, रक्त संचार, त्वचा, शरीर का वर्ण, शरीर की तंत्रिकाएं, सारी चीज़ों में लाभ होता है। या एलाकिजी ना सिर्फ बीमार व्यक्ति में यूज़ की जाती है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाकिजी प्रक्रिया के दौरान एलाकिजी का तापमान अगर कम हो जाए तो हमें उसे औषधि युक्त तेल में उसको दोबारा डुबो के गर्म कर सकते हैं, ताकि इस प्रक्रिया में तापमान एक जैसा बना रहे, जिससे रोगी की रोग अवस्था अनुसार लाभ ज़्यादा मिल सके। यह प्रक्रिया 7 से 14 दिन की होती है और इसमें 60 से 70 मिनट का समय प्रतिदिन लगता है। अब हम एलाकिजी की आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं, जिसमें अब जैसे पैरों का हमने एलाकिजी किया, उसी तरीके से अब हमें ऊपर की प्रक्रिया करनी है। पहले अभ्यंगम करने के पश्चात ऊपर के शरीर के भाग में एलाकिजी का अब कैसे प्रयोग करना है आप देख सकते हैं। एलाकिजी प्रक्रिया शुरू करते हैं। करने से पहले हमें तापमान देख लेना है, जिससे रोगी के त्वचा को नुकसान ना पहुंचे। एलाकिजी का प्रयोग हम रोग अवस्था जैसे कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द, लकवा, शरीर में जकड़ाहट, सियाटिका जैसी गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग करके सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। ये प्रक्रिया 7 से 14 दिन तक होती है। रोग अवस्था अनुसार प्रतिदिन 60 से 70 मिनट का समय लगता है एलाकिजी प्रक्रिया में। एलाकिजी प्रक्रिया अब अपने समाप्ति के दौर में आ गई है। समाप्ति के पश्चात अब आप देख सकते हैं सूखे वस्त्र से कैसे रोगी के शरीर को पोंछते हैं। एलाकिजी प्रक्रिया के बाद रोगी के शरीर को सूखे वस्त्र से पोंछना अनिवार्य है, जिससे
औषधि जो रोगी के शरीर पर लगी है वो सूख सके, और इस प्रक्रिया के लगभग 1 से 2 घंटे पश्चात रोगी को स्नान करने की अनुमति दी जाती है, जिससे इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सके। इस तरह से आज हमने एलाकिजी प्रक्रिया सीखी। यह एक बहुत ही अद्भुत केरली चिकित्सा पद्धति है, जिसके इस्तेमाल से जटिल रोगों को सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।